आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। वायुसेना के ठिकानों पर आतंकी हमलों का अलर्ट, सभी एयरबेस पर ऑरेंज अलर्ट जारी। महानायक अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अमिताभ ने जताया आभार। कमलनाथ कैबिनेट का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में अब पार्षद चुनेंगे महापौर। भिंड में मिग केस हुआ दुर्घटनाग्रस्त, मिग में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बचे। और कांग्रेस में मचा हुआ है घमासान, कहीं मंत्री तो कहीं मंत्री का स्टाफ कांग्रेसियों के निशाने पर। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। पाकिस्तान अब भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा वायुसेना के ठिकानों पर आतंकी हमलों के अलर्ट के बाद वायुसेना सतर्क हो गई है। इसके बाद वायुसेना ने अपने सभी एयरबेस पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह सभी एयरबेस जम्मू कश्मीर के आसपास स्थित है। खुफिया एजेंसियों ने 8 से 10 जैश आतंकियों के एक मॉड्यूल को लेकर अलर्ट जारी किया है, जो जम्मू कश्मीर के आसपास स्थित एयरबेस पर आत्मघाती हमला कर सकते हैं। इसके बाद वायुसेना ने श्रीनगर, अवंतीपुर, जम्मू, पठानकोट और हिंडन एयरबेस पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट दूसरा सबसे गंभीर अलर्ट है, जिसके जारी होने के बाद एयरबेस के आसपास मूवमेंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, साथ ही स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों का यह अलर्ट सेना प्रमुख रावत के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक में ध्वस्त किए गए आतंकी ठिकानों को फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को सरकार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करेगी, इसकी घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। अमिताभ बच्चन 50 साल से बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का सफर बहुत लंबा रहा है, उनके फैंस की संख्या लाखों करोड़ों में है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। दादा साहेब पुरस्कार की शुरुआत सन 1969 से हुई थी और यह भी संयोग है कि अमिताभ ने 7 हिंदुस्तानी फिल्म के साथ उसी साल अपने करियर की शुरुआत की थी। 76 साल की उम्र में बिग बी आज भी करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। महानायक अमिताभ 50वें कलाकार हैं जिन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। पहला दादा साहेब फाल्के सम्मान 1969 में अदाकारा देविका रानी को दिया गया और पिछले साल इस अवार्ड से विनोद खन्ना को सम्मानित किया गया था। अमिताभ बच्चन के बेटे और अभिनेता अभिषेक बच्चन ने ट्विटर पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा है, बहुत अधिक खुशी और गर्व। वहीं अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन ने भी इंस्टाग्राम पर पिता की पुरानी तस्वीर साझा करते हुए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए बधाई दी। साथ ही अपने खूबसूरत गानों से प्रशंसकों के दिल पर राज करने वाली मशहूर गायिका आशा भोसले ने भी ट्विटर पर अमिताभ बच्चन को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। फिल्मी सितारों के अलावा कई राजनेताओं और कैबिनेट मंत्रियों ने भी सोशल मीडिया के जरिए अमिताभ बच्चन को इस बड़े पुरस्कार के लिए बधाई दी। इसमें सुरेश प्रभु, अमित शाह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। अमिताभ बच्चन को दादा साहब
फाल्के अवार्ड मिलने की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से के ढेरों बधाई। अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से ढेरों बधाइयां मिल रही हैं, जिनका धन्यवाद करने के लिए महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर लिखा है, मेरे पास शब्द नहीं है, कृतज्ञ हूँ मैं, परिपूर्ण आभार और धन्यवाद, मैं केवल एक विनयपूर्ण विनम्र अमिताभ बच्चन हूँ। मध्य प्रदेश में 2020 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब महापौर का चुनाव सीधे ना होकर चुने गए पार्षदों के जरिए होगा। कमलनाथ कैबिनेट में नगरीय निकाय एक्ट में इस बदलाव पर मोहर लगा दी गई है। इसके बाद अब जनता सीधे महापौर को नहीं चुन पाएगी। इससे पहले तक जनता सीधे महापौर को चुनती थी, लेकिन इस फैसले के बाद अप्रत्यक्ष तरीके से महापौर और नगर निगम के सभापति का चुनाव होगा। वहीं परिसीमन का काम चुनाव से 2 महीने पहले पूरा कर दिया जाएगा। कांग्रेस की कमलनाथ कैबिनेट ने नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे नहीं होगा, इन्हें अब पार्षद चुनेंगे। कमलनाथ कैबिनेट के इस फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है। इस एक्ट में बदलाव के बाद आपराधिक छवि वाले पार्षदों की अब खैर नहीं, दोषी पाए जाने पर 6 महीने की सजा के साथ ही 25,000 के जुर्माने का प्रावधान को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। इसके अलावा इंदौर महू मनमाड़ रेल लाइन बिछाने के लिए अब सरकार भी अंशदान देगी। इसके अलावा उद्योगों को सस्ती बिजली देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। सब जगह से आवाज आ रही थी, तो बधाई आप लोगों को। दूसरा, महापौर जो आवाज आई, तो महापौर अब पार्षद चुनेंगे। पहले पार्षदों का चुनाव होगा और पार्षदों के चुनाव के बाद पार्षदों में से ही कोई महापौर होगा। जिस तरह से विधायकों के बीच से मुख्यमंत्री और सांसदों के बीच में प्रधानमंत्री होता है, उस तरह से जो भी जानकारी मांगी जाती है, चाहे वो वित्त से संबंधित हो, चाहे क्राइम से संबंधित हो, तो उस स्थिति में 6 महीने की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना। कमलनाथ सरकार के नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं, कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, इसीलिए उन्होंने महापौर के सीधे चुनाव को खत्म कर दिया है। कांग्रेस इसके जरिए जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। अवैध उत्खनन का गढ़ बने सीहोर में रेत के अवैध कारोबार को लेकर कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए हैं। कांग्रेस नेता प्रभारी मंत्री आरिफ अकील पर रेत के अवैध धंधे में शामिल होने का आरोप लगा है। वहीं तो आरिफ अकील अपनी ही पार्टी के नेताओं को चंदाखोर कह रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। हर नेता रेत के अवैध उत्खनन में हाथ साफ करना चाहता है। रेत के धंधे को लेकर सीहोर में कांग्रेस दोफाड़ हो गई है। यहां कांग्रेसी प्रभारी मंत्री आरिफ अकील से इतने नाराज हैं कि कई जगह आरिफ अकील के खिलाफ कांग्रेसियों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। आरिफ अकील के पोस्टर को रेत तक में गाढ़ा गया। सीहोर कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राहुल यादव ने लीसा टॉकेज चौराहे पर रेत के ढेर में प्रभारी मंत्री का पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया कि पूरे सीहोर जिले में अवैध उत्खनन हो रहा है। आप सभी पत्रकार साथी विगत 7 महीने से इस न्यूज को अपने अखबार समाचार पत्रों में और मीडिया में आप लोग प्रकाशित कर रहे हैं। पूरे जिले में अवैध खनिज का उत्खनन हो रहा है, जिसको खुद खनिज अधिकारी ने स्वीकार किया है कि सीहोर जिले में अवैध उत्खनन हो रहा है। इसके विरोध में, और ये आरिफ अकील जी खनिज माफियों को संरक्षण प्राप्त कर रहा है, इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में उतरे। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राहुल यादव के नेतृत्व में खनिज अधिकारी आरिफ अकील को हटाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलनरत हैं। इस बारे में इन लोगों ने अपनी ही सरकार से निवेदन किया, लेकिन इस बीच जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील ने खनिज अधिकारी का पक्ष लेते हुए अपनी ही पार्टी के नेताओं पर खनिज अधिकारी से चंदा मांगने का आरोप लगा दिया और कांग्रेस दोफाड़ हो गई। वही बात सामने आई है, कुछ कथाकथित नेता लोग जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो उनके पास चंदा लेने गए, उन्होंने उनको चंदा नहीं दिया, तो उन्होंने आके फड़ दिए, शिकायत करी कि वो उसमें अवैध खनन में इस्तेमाल है, और उन्हीं नेताओं में दो फाड़ हो गए। एक कहने लगा कि नहीं वो ईमानदार है, एक कहने लगा नहीं वो बेईमान है। चंदे के पैसे दे दो तो ठीक, वो चंदे के पैसे नहीं दो तो अधिकारी बेईमान है।
मंत्री के इस तरह अपनी ही पार्टी के नेताओं पर पैसे मांगने के बयान से भड़के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के बीच मंत्री आरिफ अकील को रेत माफियाओं के संरक्षक बताते हुए आरिफ अकील की तस्वीर को अटल चौक पर रेत में गाड़कर अपना विरोध दर्ज किया। भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट आज सुबह भिंड के गोहद में क्रैश हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में दोनों पायलट वक्त रहते इंजेक्ट होने से कामयाब हो गए। इस एयरक्राफ्ट ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। ग्वालियर से उड़े MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट में एक ग्रुप कैप्टन और स्क्वाड्रन लीडर सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही वायुसेना के साथ ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरा इलाके को घेर लिया। गांव वालों को मलबे से दूर रहने के लिए कहा गया। जिस इलाके में ये विमान गिरा है वहां भारी बारिश के चलते कीचड़ भरा हुआ है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों और एयरफोर्स की जांच टीम को वहां तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले 3 साल के भीतर भारतीय वायुसेना ने क्रैश के चलते 27 एयरक्राफ्ट गंवाए हैं। इसमें 15 एयरक्राफ्ट जेट्स हैं। 15 साल बाद सत्ता में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। विदिशा में कांग्रेस नेता ने प्रभारी मंत्री के सचिव पर दलाली का आरोप लगाकर हंगामा किया है। विदिशा के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव के विदिशा आगमन पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव संजय रघुवंशी अचानक किसी बात से नाराज हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। रघुवंशी ने प्रभारी मंत्री हर्ष यादव के निसचिव अयूब पठान पर दलाली करने का आरोप लगाया और कहा कि पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में ये लोग लगे हुए हैं। इसके बाद तमाम कांग्रेसी नेता रघुवंशी को समझाते नजर आए। हम खुले हम आरोप लगाता हूँ कि अयूब पठान विदिशा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से दलाली ट्रांसफर के रूप में ले रहे हैं। अच्छे परिवार क्या तरीका डांट रहे हो मुझे? संजय भैया हो गया चलो भैया। हनी ट्रैप मामले में 20 घंटे में SIT चीफ बदलने पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि अब ज्यादा योग्य अनुभवी और बेदाग अफसर को चीफ बनाया गया है। गोविंद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज को इस मामले में शामिल रहे BJP के लोगों के खिलाफ धरने पर बैठना चाहिए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने हनी ट्रैप मामले में SIT चीफ बदलने पर कहा कि अब और ज्यादा अनुभवी और बेदाग अफसर को जांच के लिए रखा गया है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। नए SIT चीफ संजीव शमी का सर्विस करियर बेदाग रहा है, ज्यादा अनुभवी हैं जिससे हनी ट्रैप मामले में सख्त कार्रवाई होगी। कमलनाथ सरकार मामले में पूरी तरह सतर्क और सख्ती के कारण साथ कार्य कर रही है। अगर किसी जूनियर को इस मामले की जवाबदारी दी जाती है तो हो सकता है किसी को बचाने का प्रयास किया जाता हो। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि शिवराज को BJP के लोगों के खिलाफ धरने पर बैठना चाहिए जो इस मामले में संलिप्त हैं और समाज को बदनाम कर रहे हैं। मैं शिवराज के साथ धरने पर बैठने को तैयार हूं। खाली मंदसौर में धरने में बैठने से कुछ नहीं होगा। नौटंकी करना बंद करें शिवराज। शिवराज सिंह को हनी ट्रैप के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरह के फुकत किए हैं उनके बारे में शिवराज सिंह से मैं अनुरोध करता हूं कि आप उनके धरना दें, उनके गिरफ्तारी की मांग करें और कम में उनके साथ धरना देने में उनके साथ धरने पर बैठने को तैयार हूँ। सिंधिया के मंदसौर नीमच दौरे के दौरान सर्वे पर उठाए सवाल पर गोविंद सिंह ने कहा कि सच बोलना कोई गलत बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र पूरा नष्ट हो गया है, चारों ओर पानी ही पानी है, अब सर्वे की क्या जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जिलों में 100% सर्वे है कि फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है और जो भी सहायता होगी की जाएगी। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.
संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में अनंतागढ़ टेप कांड से चर्चित हुए मंतूराम पवार की मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ता ने मंतूराम के जन्म प्रमाण पत्र का मामला उठाया है और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। चर्चित अनंतागढ़ टेप कांड मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस मामले में सुर्खियों में आए मंतूराम पवार के जन्म प्रमाण पत्र में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंतूराम के खिलाफ पंखाजूर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराकर पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंतूराम पर आरोप लगाया है कि सन 1990 का विधानसभा चुनाव में उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था। इनके जो राजनीतिक मुकाम है वो खत्म हो गया है। इनके पास कोई राजनीतिक जनाधार बचा नहीं है, कोई धरातल बचा नहीं है। अब बस खाली यही काम ये कर रहे हैं, जो काम इनको अभी कर रहे हैं। आने वाले समय में ये इनका राजनीतिक जीवन पूरा चौपट हो रहा है। और हमारा छत्तीसगढ़ सरकार से भी यही निवेदन है कि हमारी इस जो रिपोर्ट है इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि आज गलत जन्म स्थान बताने के कारण आज अमित जोगी जेल में हैं। उन्होंने भी एक गलती की है कि उन्होंने अपना गलत जन्म स्थान बताया, कभी कहीं आए, और इन्होंने अपनी उम्र गलत बताई है। दोनों एक ही तरह के अपराध हैं, जो कि और चुनाव आयोग को आजीवन भर इनके चुनाव लड़ने पर बैन लगा देना चाहिए। पंचायत अध्यक्ष असीम राय ने एक आवेदन प्रस्तुत किया है। उस आवेदन में यह शिकायत की गई है कि पूर्व विधायक मंतूराम पवार द्वारा 1990 के विधानसभा चुनाव में अपनी जन्मतिथि गलत बताकर चुनाव अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ा था। उस संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है। जांच इस प्रकार का मामला दर्ज होगा सर, की जा रही है, जैसा प्रमाणित पाया जाएगा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि 1990 में मंतूराम ने विधानसभा चुनाव CPIM के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था, जिस दौरान उन्होंने अपनी उम्र 25 वर्ष दर्शाई थी, जबकि वे उस समय 24 वर्ष से भी कम आयु के थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंखाजूर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए मांग की है कि मंतूराम के खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाए। ग्वालियर चंबल इलाके में पहले डकैत चैलेंज करके डकैती या अपहरण की वारदात को अंजाम देते थे। यह युग कई साल पहले खत्म हो गया था, लेकिन ग्वालियर के चिनोर में हुई डकैती की घटना से लगता है यह युग फिर से लौट आया है। यहां डकैतों ने पहले चिट्ठी लिखकर खुली चुनौती दी और तय दिन और तय समय पर डकैती की घटना को अंजाम दिया। आज पीड़ित ग्रामीण SP से मिलने पहुंचे और अपना दुखड़ा सुनाया। इस घटना से ग्वालियर पुलिस की काफी किरकिरी हुई है। ये लोग ग्वालियर के चिनौर कस्बे और उसके आसपास के गांव के रहने वाले हैं। इनके यहाँ एक महीने पहले एक चिट्ठी आती है, जिसके जरिए करीब एक दर्जन ग्रामीणों के नाम लिखकर 5-5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और उस रकम को शीतला माता मंदिर में बताए गए स्थान पर, यानी शेर के मुंह में पैसा रखने को कहा गया और धमकी दी गई कि जिसने भी यह रकम नहीं दी तो निश्चित दिन और तय समय पर उनके घरों में डकैती पड़ेगी। ग्रामीणों के मुताबिक जब डकैतों को पैसा नहीं पहुंचा तो उनके घरों में अज्ञात बदमाशों ने डकैती डाली और सोना चांदी नकदी सभी लेकर चले गए। ये चिट्ठी लगभग एक महीने के लगभग होने जा रहा है, 1980 के लगभग, 1918 के करीब। पुलिस अधिकारियों से काफी शिकायत की थाने स्तर पे की, मगर थाने में तो उन्होंने का खुला चैलेंज है कि थाना प्रभारी हमारे साथ है, जो हम चाहेंगे वो करेगा। लोग ये चाहते हैं कि एक तो थाना प्रभारी विद स्टाफ के वहाँ से निष्कासित किया जाए, नया क्योंकि उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए, और अगर वो वहाँ थाने में रहेंगे तो हमारी विवेचना में बहुत दिक्कत आएगी। ये चिट्ठी लगभग एक महीने के लगभग होने जा रहा है, 1918 के लगभग, 1918 के करीब। पुलिस अधिकारियों से काफी शिकायत की थाने स्तर पे की, मगर थाने में तो उन्होंने का खुला चैलेंज है कि थाना प्रभारी हमारे साथ है, जो हम चाहेंगे वो करेगा। ये
ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिले और उन्हें चिट्ठी देने के साथ घटना की रात के सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे, जिसमें कई बदमाश घरों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों में संलग्न दिखाई दे रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि चिनौर पुलिस की मिली भगत से लंबे समय से वारदातें हो रही हैं। उन्होंने एसपी को एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। डकौते को चेतावनी थी कि शीतला माता पे 5 लाख रुपए रख के जाना शेर के मुंह में, प्रति आदमी 10 लोग हैं तो 10 लोग 5-5 लाख रख के जाना, रात के 12 बजे हम आएंगे और उठा लेंगे, वहाँ तुम्हारा आदमी कोई नहीं होना चाहिए। आपने नहीं कराया भाई? हमने ये काम नहीं किया, पुलिस ने कोई हमारी इसमें मदद नहीं की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी कल हमारी डकैती हो गई। पुलिस के आला अधिकारी डकैतों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है उन पर कड़ी कार्रवाई कर उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे संज्ञान में जो प्रकरण आया है, लोगों का कहना है कि पूर्व में एक पत्र आया था, उस पत्र में कुछ लोगों के नाम लिखे थे और जो घटना हुई है उस पत्र में जो नाम लिखे थे उनमें किसी व्यक्ति घर पर घटना हुई है, कल दिन की घटना है। इसमें भी हमारे यहाँ से एडिशनल एसपी और क्राइम ब्रांच पहुँच रहे हैं आज वहाँ पर, घटना का पूरा समझ के उसके पश्चात निराकरण तत्काल किया जाएगा। अभी ग्रामीणों में चर्चा भी हुई है, उन लोगों ने कुछ इनपुट दिए हैं, उससे भी कुछ न कुछ निराकरण में फायदा मिलेगा। लोकायुक्त पुलिस ने टीकमगढ़ में जाल बिछाकर वन विभाग के एक बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। वन विभाग का ये बाबू बीट बदलने के लिए एक अन्य कर्मचारी से रिश्वत ले रहा था। लोकायुक्त पुलिस की टीम ने एक शिकायत पर तत्काल एक्शन लेकर वन विभाग के एक घूसखोर बाबू को रंगे हाथों पकड़ लिया है। डीएसपी राजेश खेड़े की टीम ने जब वन विभाग के बाबू अनिल मिश्रा निवासी राजमहल को पकड़ा, उस समय वो 30,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। वन रक्षक दिनेश अहिरवार ने लोकायुक्त पुलिस सागर को जानकारी दी कि वन विभाग ऑफिस में पदस्थ बाबू अमित मिश्रा बीट बदलने के लिए उनसे 30,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद लोकायुक्त सागर योजनाबद्ध से इको सेंटर से बाबू को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वन मंडल कार्यालय में स्थापना बाबू जो है अनिल मिश्रा द्वारा बीट परिवर्तन डीएफओ से बीट परिवर्तन करवाने के एवज में जो है रिश्वत की मांग की जा रही थी, उसको हमने तस्दीक किया, सही पाए जाने पर आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की और आज हमने अनिल मिश्रा स्थापना कार्यालय में बाबू है उसको 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण कई महिलाओं व ग्रामीणों को शासन द्वारा दी जाने वाली पेंशन योजना से वंचित होना पड़ा है। विधवा महिलाओं को विभाग के पोर्टल में मृत बता दिया गया है, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी मृत्यु के बाद भी उनके नाम से पेंशन निकाली जा रही है। सागर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम चतुर्भटा में पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण कई महिलाओं व ग्रामीणों को शासन द्वारा दी जाने वाली पेंशन योजना से वंचित होना पड़ रहा है। पंचायत की लापरवाही के कारण कई महिलाओं को विभाग के पोर्टल में मृत बता दिया गया है, जबकि कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी मृत्यु के बाद भी उनके नाम से पेंशन निकाली जा रही है। गांव की लाडली बाई को पति की मृत्यु के बाद पेंशन मिलती थी, जो अब नहीं मिल पा रही है। पेंशन नहीं मिले इन लोगों की, जिन लोगों ने बताया कि हमें पेंशन नहीं मिल रही, अगर हमने देखवाया इनकी आईडी निकलवाई तो उसमें मृत आया, तो हमने चलो सर के पास चलते हैं अपन दिखवाते हैं। तो अधिकारी क्या बोल रहा है? दिखवाते हैं। अच्छा, जांच करवाना है? जांच करवा रहे हैं। तो ये किसने किया है? अब ये तो जाँच होगी जब पता चलेगा किसने। नहीं तो कौन है आपके सरपंच? आप हो तो सचिव है कौन? सचिव श्री सिंह है। हाँ, और रोजगार सहायक चंद्रभान। तो किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप? तो अब तो दोनों में से किसी भी हो सकती सर। गांव के खरक राम विश्वकर्मा और हरि सिंह को जीवित होने के बावजूद मृत बताकर पेंशन बंद कर दी गई है। इसी की शिकायत को लेकर गांव के दर्जनों ग्रामीण सागर जनपद कार्यालय पहुंचे और यहां पर पंचायत द्वारा की गई अनियमितताओं को लेकर सरपंच के साथ शिकायत की। जनपद सीईओ राहुल पांडे ने मामले की जांच कर पोर्टल में व्याप्त अनियमितताओं को दूर कर इन पीड़ितों को जल्द पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। अगर वह दोषी पाया जाता तो प्रथम दृष्टि उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसे जनपद में कितने मामले आ चुके हैं? मृत्यु वाला तो एक ही मामला है, एक पंचायत का हो रहा है नहीं, उसमें प्रूफ नहीं होता। बरसात में नाले का जलस्तर बढ़ने से स्कूल जाने का रास्ता बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। बच्चों ने शासन और प्रशासन से कई बार नाले में पुलिया बनाने की मांग की है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 किलोमीटर दूर स्थित इस स्कूल में बेटियां अब नहीं पहुंच पा रही है। उधर स्कूल प्रबंधन ने भी इनकी गैरहाजिरी के चलते नोटिस जारी कर दिया है।
चुनाव के वक्त विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले नेता चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। गाडरवारा के पलेरा में सरकार के डिजिटल इंडिया स्मार्ट सिटी जैसी सभी योजनाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। बहज एक नाले में बाढ़ की वजह से एक गांव के बच्चे कई दिनों से स्कूल न जाने को मजबूर हैं। आलम यह है कि बेटियां इस नाले में बाढ़ की वजह से स्कूल न पहुंचने के चलते पढ़ाई तक छोड़ रही हैं। दरअसल पलेरा गांव में प्राथमिक शाला तो है, पर आगे की पढ़ाई के लिए यहां के बच्चों को गांव से 5 किलोमीटर दूर बसुरिया गांव जाना पड़ता है। एक तो कच्ची सड़क, उस पर रास्ते में पड़ने वाला ये नाला उनकी पढ़ाई में बाधा बना हुआ है। हालात ये हैं कि थोड़ी सी ही बारिश से नाले में बाढ़ आ जाती है। पिछले दिनों जिले में हुई मूसलाधार बारिश के चलते बोर्ड परीक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे। हालात ये हैं कि स्कूल प्रबंधन ने इनकी गैर हाजिरी के चलते नोटिस तक जारी कर दिए हैं। हमको ये दिक्कत आती है कि नाला आ रहा है, इसके कारण हम 1 से 2 महीने होने जा रहे हैं, इसमें 4-5 बार स्कूल गए हैं। और इसके कारण ये भी है कि अगर हम स्कूल जाएं तो या जान से खिलवाड़ करें और पढ़ाई के साथ भी बहुत वो हो रहा है, इससे हमारा कोर्स बहुत पीछे है। 3 साल पहले यहाँ की एक छात्रा ने कलेक्टर के सामने रोते हुए गांव के इस रास्ते पर ब्रिज बनाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद तत्कालीन भाजपा सरकार की मंत्री अर्चना चिटनिस ने मामले में संज्ञान लेकर जल्द इस नाले पर पुल बनाने का आश्वासन दिया था। पर हालात आज भी ढाक के 3 पात ही हैं। छात्राएं पढ़ने का मन रखती हैं, पर हालात इन्हें पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। सर, मैं अच्छे परसेंट से पास हुई थी, जब भी मैं 10वीं के बाद नहीं कर पाई। क्यों? जब बसुरिया में बार भी नहीं था, साले चौक जाओ रोड नहीं था, और गाड़रवारा जाओ तो हम अकेले थे, कोई नहीं था हमारे साथ में, इसलिए बहुत दिक्कत आती है। सर, क्या किया सर आपने? सर कुछ नहीं, घर बैठे हैं। अब रोड बन गया, अब हम इस साल करेंगे। पढ़ाई छोड़ दी? हाँ छोड़ दी है। कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए? सर 1 साल हुई है। कौन सी क्लास से छोड़ दिया? सर 10वीं से। क्यों? सर इसी नाले की वजह से। नाले की वजह से पढ़ाई छोड़ना पड़ी? हाँ सर, उसमें बहुत दिक्कत होती थी और हम अकेले थे उस समय पे। अब गाडरवारा SDM इस मामले को सुलझाने का आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे आश्वासन पहले भी दिए जा चुके हैं और हालात जस के तस हैं। अब आश्वासन नहीं, कार्य करने की जरूरत है। वहीं भाजपा नेत्री एवं समाज सेवी साधना स्थापक का कहना है कि पुलिया और सड़क का निर्माण जल्द होना चाहिए। नाला होने के कारण से तो वैकल्पिक उनके पास स्कूल 3 उसी दूरी पर उनके पास मौजूद हैं, वो चाहे तो उस विकल्प को चुन सकती हैं। पर्टिकुलर ग्राम पंचायत के वासी ये चाहते हैं कि वो पुल बने, क्योंकि पुल की जो लंबाई चौड़ाई और प्राकलन है वो करोड़ों में आता है। लोकल लेवल पे हम प्रयास करेंगे पंचायत के माध्यम से कोई रपटा या इस माध्यम का कोई पुल बन जाए, ताकि उस जो नाले से है बरसात में भी आवागमन प्रारंभ रहे। निश्चित बात है, मैं इस बात को विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूँ प्रशासन का भी और जनप्रतिनिधियों का भी, कि छात्राओं ने जो मांग रखी है उसी को पूरा करें, और मैं भी अपनी तरफ से प्रशासन से बात करूंगी। एक चार्टर्ड बस ट्रक ओवरटेक करते वक्त भिड़ गई। हादसे के वक्त बस में 35 से 40 यात्री सवार थे। कई यात्रियों को चोटें आई हैं, गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई है। बैतूल नेशनल हाईवे में हरदा से इंदौर जा रही एक चार्टर्ड बस और ट्रक के बीच धन तालाब घाट पर जोरदार टक्कर हो गई। इस बस के ड्राइवर ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की थी और हादसा हुआ। इस हादसे में यात्रियों को चोटें आई हैं। बस में करीब 35 से 40 यात्री सवार थे, इनमें से 9 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। बताया जा रहा है कि बस का ड्राइवर ओवरटेक कर रहा था, इसी दौरान वह ट्रक से जा टकराया। दुर्घटना के बाद करीब 1.5 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। जहां बस और ट्रक की टक्कर हुई थी वहां गहरी खाई है, गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलने के बाद 100 डायल, बिजवाड़ व कमलापुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया। भोपाल में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने राजधानी के रोशनपुरा चौराहा क्षेत्र में डेंगू के विरुद्ध जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल डेंगू की चपेट में है। बीते महीने में डेंगू के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने जनता के साथ डेंगू से निपटने के लिए शहर के रोशनपुरा चौराहे पर एक जागरूकता अभियान शुरू किया, जिससे शहर के लोग इस जानलेवा बीमारी के बारे में जानें और स्वयं इस बीमारी से सुरक्षित रह सकें। PC शर्मा ने कहा कि पानी को एक स्थान पर जमा ना होने दें, पानी को गंदी जगह और ट्यूब टायर में भी इकट्ठा ना होने दें।
डेंगू से बचने के लिए अधिक सावधानी बरतना चाहिए। पूरे भोपाल में ये जन जागरण अभियान चलाएंगे कि मच्छरों से अपने आप को बचाने के लिए जो गंदी जगहों पर जहां पानी इकट्ठा हो जाता है उसको अलग करें, टायर ट्यूब में हो जाता है उसको अलग करें और प्रोटेक्शन करें और डेंगू से बचें, क्योंकि इस समय डेंगू पूरे भोपाल में बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। इसकी रोकथाम का जो उन्होंने ये कार्य शुरू किया है इसके लिए बहुत बधाई, इनको शुभकामनाएँ और मुझे उम्मीद है कि आगे, क्योंकि ये समय है डेंगू का सीज़न, तो इसमें एक बार जन जागरण अभियान हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि डेंगू से लोगों को हम बचा सकेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज़, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।